नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल माई शो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब टीवी के टॉप 5 मैजिक फैंटेसी शोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है गिली गिली गप्पा टीवी शो। इस शो के कुल 56 एपिसोड्स 2010 से 2011 तक सब टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किए गए थे। इस शो की कहानी संध्या और उसके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। संध्या के 3 बच्चे हैं और संध्या की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शो की कहानी संध्या की मृत्यु के बाद खुलती है, जब संध्या के बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें उनकी माँ वापस दे दे। भगवान उन्हें उनकी माँ एक एंजल के रूप में वापस दे देता है और संध्या को एंजल के रूप में बहुत सारी सुपर पावर्स भी मिलती है तथा शो में एक चुड़ैल भी है जो संध्या और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, पर हमेशा संध्या उसे रोक देती है। इस तरह शो की कहानी चलती रहती है। इस शो में श्वेता गुलाटी ने संध्या शास्त्री का रोल किया है। नंबर 4 पर है रिंग रोंग रिंग शो। इस शो के कुल 81 एपिसोड्स 2010 से 2011 तक सब टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किए गए थे। इस शो की कहानी मानसी के चारों ओर घूमती है। मानसी एक मध्यवर्गीय परिवार में एक साधारण गृहिणी है। वह अपने परिवार में सभी को खुश देखना चाहती है। मानसी के ससुर एक जादूगर थे जिनकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। मानसी के ससुर की एक पेंटिंग उनके हाल में होती है, जिसे मानसी का ससुर मानसी से बातें करता रहता है और उसे एक जादुई अंगूठी देता है, पर जादुई अंगूठी का जादू ज्यादातर उल्टा काम करता है। इस तरह शो की कहानी चलती रहती है। इस शो में मुस्कान मिहानी ने मानसी का रोल किया है। नंबर 3 पर है अलादीन शो। इस शो के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इस शो का सेकंड सीजन अभी 2020 में चल रहा है, जब इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इस शो की कहानी अरेबियन नाइट्स के करेक्टर अलादीन पर है, जिसमें अलादीन के मैजिक भरे सफर को दिखाया गया है। अलादीन को एक बार एक चिराग मिलता है। चिराग में से जिन निकलता है जो मैजिक कर सकता है। अलादीन से उस चिराग को जफर नाम का बुरा जादूगर छीनना चाहता है, पर हमेशा जफर इस कार्य में नाकाम रहता है। इस तरह शो की कहानी चलती रहती है। इस शो में सिद्धार्थ निगम ने अलादीन का रोल किया है। नंबर 2 पर है जीनी और जूजू शो। इस शो के कुल 417 एपिसोड्स 5 नवंबर 2012 से 6 जून 2014 तक सब टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किए गए थे। यह शो अमेरिकन शो ड्रीम ऑफ जीनी पर बेस्ड है। इस शो की कहानी विक्की आहूजा तथा उसके जीनी के इर्द गिर्द घूमती है। विक्की एक एयरलाइंस में पायलट का काम करता है। एक बार उसके प्लेन में आग लग जाती है और वो फिर एक सुनसान आइलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग करता है। उस आइलैंड पर उसे एक चिराग मिलता है। विक्की गलती से उस चिराग में से एक लड़की जीनी को निकाल देता है, जिसे 2000 साल पहले एक बोतल में कैद किया गया था। उस जीनी को पहली ही नज़र में विक्की से प्यार हो जाता है और फिर वो विक्की के हमेशा साथ रहती है। जीनी अपने जादू से विक्की की मुसीबतों को कम करने की कोशिशें करती रहती है, पर हमेशा वह विक्की को और अधिक मुसीबतों में डाल देती है। इस तरह शो की कहानी मैजिक के साथ चलती रहती है। इस शो में विक्की का रोल अली असगर ने किया है और जीनी का रोल पहले जिया मानिक ने किया था और बाद में ये रोल रुबीना दिलाक ने किया है। नंबर 1 पर है बालवीर शो। इस शो के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इस शो का सेकंड सीजन अभी 2020 में चल रहा है, जब इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इस शो का पहला एपिसोड 8 अक्टूबर 2012 को सब टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। इस शो की कहानी बालवीर के इर्द गिर्द घूमती है। बालवीर परीलोक में पैदा हुआ है। उसे 7 परियों की शक्तियाँ मिलती है, जिसे वो पृथ्वी लोक पर जाकर पृथ्वी के लोगों की मदद करता है और भयंकर परी से परीलोक और पृथ्वी को बचाता है। इस तरह शो के सीजन 1 की कहानी चलती रहती है और इस शो के दूसरे सीजन में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। अब की बार बालवीर की दुश्मन तिमनासा नाम की एक बुरी जादूगरनी है तथा सीजन 2 में एक नए छोटे बालवीर को भी दिखाया गया है, जो दुनिया को तिमनासा और बुराइयों से बचाता है। इस शो में बालवीर का रोल देव जोशी ने किया है। तो दोस्तों, आपको इन सभी शोज में से कौन सा शो सबसे ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं।